मितुस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अक्सर घर में आलू की सब्जी कई बार बनाते हैं, लेकिन हर बार व्रत में वही आलू की सब्जी खा खा कर हम लोग बोर हो जाते हैं। तो इस बार हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से व्रत में अरबी की सब्जी, जिसे मैं बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। और इसमें जो आप सब्जी का कलर देखेंगे वो बहुत ही बढ़िया आएगा। बिना किसी हम मसाले ही डाले सब्जी में बिल्कुल अच्छा सा कलर लेके आएंगे। फटाफट से अरबी की ये स्वादिष्ट सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो अरबी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने 250 ग्राम अरबी को पहले से उबाल कर और छील कर तैयार करके रखा है, ताकि हमारी जो सब्जी है वो फटाफट बन जाए। और इसके लिए आपको 4 से 5 सीटी देनी होगी अरबी में। अरबी बहुत आसानी से 4 से 5 सीटी में गल जाएगी। उसके बाद आप इसे निकाल के ठंडा कर लें, फिर अरबी को छील लें। तो फ्रेंड्स, आपको अरबी को उबालते टाइम इसे 90% ही कुक करना है। 100% यानी बहुत ज़्यादा पकी हुई अरबी नहीं लेनी। तो इस तरीके से सबसे पहले हम अरबी को छील के तैयार करने के बाद इसे हम थोड़े से मोटे मोटे पीसेज में काटेंगे। आप चाहें थोड़े बड़े या पतले पीसेस भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से ये थोड़े मोटे मोटे और इस साइज में पीसेस को कट कर लेती हूँ। तो अरबी को मैंने पीसेस में काट लिया है, इस तरीके के पीसेस हमने कट किए हैं। अब चलिए फटाफट से हम इसकी ग्रेवी के लिए मसाला देख लेते हैं, हम क्या क्या लेने वाले हैं। यहाँ मैंने ये बड़े साइज का एक टमाटर लिया है। अगर आप मीडियम साइज के ले रहे हैं तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरीके से चॉप कर लें। और कुछ काली मिर्च के दाने ले लेते हैं, 7 से 8 काली मिर्च के दाने हैं ये। और ये मैंने अदरक के 1 इंच के टुकड़े को इस तरीके से काट लिया है, अदरक को छील के काट लें। और ये मैंने 2 लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है दोस्तों, ताकि जो सब्जी का कलर है वो बहुत अच्छा आए। अगर आप चाहते हैं तो इसकी जगह हरी मिर्च भी ले सकते हैं, अगर आपके पास लाल मिर्ची ना हो तो। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ों को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब मैंने गैस पर पैन रख लिया है और पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म किया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देते हैं। जीरा भुन जाने के बाद अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे। टमाटर को मैंने अच्छे से पीस के इसका पेस्ट पहले ही तैयार करके रख लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको सब्जी का कलर बहुत अच्छा चाहिए तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके जो टमाटर हैं वो बिल्कुल लाल लाल हो, इससे सब्जी का कलर अपने आप ही बहुत अच्छा आ जाता है। टमाटर को भूनते टाइम हम इसमें 1/2 चम्मच सेंधा नमक डाल देते हैं। ये व्रत का सेंधा नमक है, अगर आप चाहें तो बिना सेंधा नमक डाले इस सब्जी को बिना व्रत के भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं, तभी भी ये बहुत अच्छी बनती है। तो अब हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। यहाँ मैंने ये 1/2 कटोरी दही ले लिया है, ये गाढ़ी दही ली है मैंने फ्रेंड्स, और ये बहुत ज़्यादा खट्टी दही नहीं है। अगर आपकी दही बहुत ज़्यादा खट्टी हो तो आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। अब इस दही में मैं ये 1 चम्मच कूटू का आटा डालूंगी और इसे डाल के अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। आपको दही को बिल्कुल स्मूथ करना है, जितना स्मूथ आप कर सकते हैं उतना स्मूथ इसे बना लीजिए। आप चाहे तो इसे मिक्सी के जार में डालकर एक बार ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चम्मच से दही को फेंट कर बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे, जैसे मैं फेंट रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप दही को एकदम स्मूथ कर लीजिएगा। तो दही हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलिए फटाफट से टमाटर की ग्रेवी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसके अंदर ये दही का पेस्ट हमने जो बनाया है इसे डालेंगे। दही के अंदर थोड़ा सा कुटू का आटा डाल के मिक्स कर लेने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो हमारी जो सब्जी है इसमें डालने के बाद दही फटेगा नहीं, दूसरा जब हम इसे बनाएंगे तो सब्जी में एक बहुत ही बढ़िया थिकनेस आ जाएगी, तो हमारी ग्रेवी हमें बिल्कुल पतली पतली नहीं लगेगी, इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाती है इसके साथ जब हम इसे पका लेते हैं। तो अब हमें दही डाल के इसे लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है, ताकि जो दही है वो फटे नहीं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम गरम गरम टमाटर के मिश्रण में इसे ना डालें, पहले गैस के फ्लेम को थोड़ा सा लो पे रखें, उसके बाद ही आपको इस दही को इसमें डालना है, जिससे हमारा दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा और बहुत ही बढ़िया ग्रेवी रेडी होगी। तो दही को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं दही बिल्कुल भी नहीं फटा।
अब हम इसमें अरबी के पीसेस को डाल देते हैं। अरबी डालने के बाद अब हम इसे दही के साथ थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। अरबी को मैंने लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पे पका लिया है। अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने जिस कटोरी में दही लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी इसमें डाल दिया है। 1 कटोरी पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप पानी की मात्रा सब्जी की ग्रेवी की थिकनेस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक उबाल आने तक इसी तरीके से लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि जो हमारी दही है वो बिल्कुल भी ना फटे। तो ये देखिए एक उबाल आ चुका है। एक उबाल आने के बाद आप इसे चलाना बंद कर सकते हैं, लेकिन जब तक एक उबाल नहीं आ जाता तब तक आप इसे लगातार चलाते रहें। तो फ्रेंड्स एक उबाल आने के बाद मैं इसे ढककर 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि जो हमने इसमें कुटू का आटा मिक्स किया है वो बहुत अच्छे से पक जाए और जो हमारी अरबी की सब्जी है वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट दे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया कलर की अरबी की सब्जी बिल्कुल बिना किसी मसाले के बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो गई है। और आप देख सकते हैं बिना हल्दी डाले इसका कलर कितना बढ़िया आया है। तो इस तरीके से आप ये व्रत के लिए अरबी की सब्जी ज़रूर बनाइएगा, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, मैं इसे पास से दिखा देती हूँ। और आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि जो हमने दही डाला है वो बिल्कुल भी नहीं फटा। तो इस तरीके से आप ये अरबी की सब्जी अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए सब्जी को मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। वाओ कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का। इस तरीके से आप ये अरबी की सब्जी को ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया लाजवाब टेस्टी सब्जी जिसके साथ में भी आप परोसेंगे उसे लगेगा ही नहीं कि आपने ये सब्जी व्रत के लिए बनाई है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे, बहुत आसान तरीका है। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।